बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर बलात्कारी राम रहीम के हर राज से आज पर्दा उठ सकता है। डेरे में 3.5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं सर्च ऑपरेशन चले हुए और अब ताजा अपडेट ये कि गेट नंबर 7 तक पहुंच चुकी है पुलिस। गेट नंबर 7 से ही वो गुफा के रास्ते अंदर जाता था राम रहीम, गेट नंबर 7 पर ही ये गुफा का रास्ता था और वहां तक अब पुलिस पहुंच चुकी है। सर्च ऑपरेशन सुबह करीब 7:30 बजे से चल रहा है, करीब 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब ताजा अपडेट ये कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इस पूरे सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, 7 नंबर गेट तक पहुंच चुकी है पुलिस और अंदाजा ये लगा जा रहा है कि आज राम रहीम के करीब करीब हर रात से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डेरे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस के जवान और फोर्स तैनात दिख रही है, इसमें जेसीबी मशीन्स मंगाई गई हैं जो कि यहां पर खुदाई का काम करेंगी, क्योंकि अंदाजा यह लगाया जा रहा था, आशंका यह थी कि जब यहां खुदाई होगी तो कई नर कंकाल मिल सकते हैं। फिलहाल 6 तस्वीरें आप देखिए और समझिए किस तरह से मुस्तैदी के साथ यहां पर फोर्स पहुंची हुई है, कमांडोज तैनात हैं, जेसीबी मशीन मौके पर मौजूद है जो कि खुदाई का काम कर रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए मुस्तैदी देख रहे हैं आप कैमरों में और एक एक परत आज इस राज से खुल सकती है। राम रहीम का एक एक राज आज दुनिया के सामने आ सकता है इस सर्च ऑपरेशन में। डेरा सच्चा सौदा के अंदर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन सुबह 8:30 बजे शुरू कर दिया गया जब कोर्ट कमिश्नर डेरा सच्चा सौदा के अंदर पहुंचे और तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद रखे गए हैं। सिर्फ 5 नंबर गेट जो डेरा सच्चा सौदा का 5 नंबर गेट है उससे एंट्री दी जा रही है जिन जिन अधिकारियों को जांच के लिए अंदर जाना है। ये सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो डेरा सच्चा सौदा के चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसकी वजह साफ है कि पंचकुला जैसी तस्वीरें दोबारा से ना हो सिरसा के अंदर, इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं। जेसीबी से लेके लोहार तक अंदर पहुंचा दिए गए हैं ताकि अगर कोई भी ताला तोड़ने की या फिर जेसीबी यानी कि खुदाई का की जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। करीब काफी देर हो चुकी है डेरा सच्चा सौदा में सर्च ऑपरेशन चलते हुए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस विभाग सब लगातार स्टेप बाय स्टेप जांच कर रहा है और इसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज सिरसा। ये आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? ताला तोड़ने का काम करते हैं? आप लोहार हैं, हर ताला तोड़ देते हैं क्या? ना ना, और हम लोहार सरिये का काम करते हैं, तो अभी डेरे के अंदर ले जाया जा रहा है आपको? हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? 14 बंदे। 14 बंदे हैं जी। तो आप सब अभी डेरा के अंदर? जी हाँ जी। तो क्या करते हैं, सरिया वरिया काटते हैं, सब काम करते हैं? हाँ। जी, जी, हाँ? तो यही सिरसा में काम करते हैं? सिरसा के लोग के लिए हम। अच्छा, पुलिस लेके जा रही है आपको? हाँ। तो चलिए, जिन लोहारों की बात चल रही थी कि हर जगह से चीजें तोड़ी जा सके, तो उनकी टीम आप देख सकते हैं, लोकल लोगों को इकट्ठा किया गया है, हाथ दे सकते हैं, हाथ में सरिया है और तोड़ने के लिए हथौड़ा आपको नजर आ जाएगा। तो ये लोहार हैं, इसके अलावा कुछ और लोगों की टीम बुलाई गई है जो वहाँ ताले खोलने का काम भी करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज सिरसा।